ये स्टोरी है पॉल की, कि वो कैसे बना एक क्रूअल ट्रेनर से एक कमाल का जिम लीडर, जिसमें हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी स्किल्स और स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे हमें पता लगता है कि पॉल क्यों है सबसे कमाल का राइवल। ये इतना कमाल का राइवल है कि एस का ही अपोजिट माना जाता था सिनो रीजन में, और जर्नीस में आने के बाद भी इसने एस को इतनी हेल्प की जिस कारण वो चैंपियन लेवल के पोकेमोन से लड़ पाया, और एस को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन बनाने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए देखते हैं इसकी जर्नी को। पॉल उर्फ सिनजी, जिसका होम टाउन है वेलस्टोन सिटी, जो सिनो रीजन में है। सिनो सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही उसे अपना पहला पोकेमोन टर्टविक के रूप में मिल चुका था। ये दोनों डिसाइड करते हैं अपने बड़े भाई रेजी का मैच देखने का, जो चैलेंज करने वाला है पिरामिड किंग ब्रैंडन को फ्रंटियर ब्रेन सिंबल के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, बल्कि ब्रैंडन का एक भी पोकेमोन लूज नहीं होता, जिसके बाद पॉल डिसाइड करता है कि उसे अपने भाई की तरह नहीं बनना है, बल्कि उसे बहुत पावरफुल बनना है। उसके बाद वो होइन जोटो और कैंटो लीग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो एक भी लीग नहीं जीत पाता, जिसके बाद वो डिसाइड करता है उसे अपने होम रीजन सिनो में ही कम्पीट करना चाहिए। उसका सबसे पहले सामना एस कैचम से होता है, और इन दोनों की पर्सनैलिटी में इतना अंतर होता है कि ये बहुत जल्दी राइवलरी में बदल जाती है, और इनकी राइवलरी सिनो लीग के क्वार्टर फाइनल में जाके ख़त्म होती है। ये काफ़ी सीरियस पर्सनैलिटी होल्ड करता था, ये फेस पे इंप्रेशन भी ऐसे नहीं लाता था जैसे कि आम इंसान लाते हैं, ये काफ़ी सीरियस रहता था। इसे बिल्कुल मजा नहीं आता था नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में या फिर कुछ नया जानने में, ये सिर्फ बैटल जीतना चाहता था और अपने पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी कठोर रहा है, खासकर बैटल के टाइम पे। ये सिर्फ पावरफुल पोकेमोन को पकड़ता था और उन्हें भी टूल की तरह इस्तेमाल करता था। ये सख्त नफरत थी वीक पोकेमोन से, ये उन सभी पोकेमोन को छोड़ देता है जो इसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते या फिर उन्हें पावरफुल मूव नहीं आते, उन सभी पोकेमोन को छोड़ देता या फिर किसी ट्रेनर को दे देता। ये कई मामलों में एस कैचम का अपोजिट माना जा सकता है, क्योंकि एस काफ़ी इंजॉय करता है पूरे नेचर को, बल्कि ये सिर्फ सीरियस रहता है। एस कमजोर पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करता है, और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को ही पकड़ता है। ये अपने पोकेमोन को कभी भी फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करता था, इवन उन्हें लिविंग थिंग भी नहीं समझता था, बल्कि उन्हें सिर्फ टूल की तरह यूज किया करता था। इसका रूड बिहेवियर देख के कई सारे पोकेमोन और इवन पीपल भी इससे नफरत करते थे, यहाँ तक कि टीम रॉकेट ने भी कहा है कि इसका एटीट्यूड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और रेजी भी कंफर्म करता है कि ये काफी क्रूअल है। और ऐसे नफरत करने का इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एस इसके बड़े भाई की तरह सोचता था, और उसने देखा था कि अच्छा बनने के बाद उसका क्या हाल हुआ था ब्रैंडन के खिलाफ। माना कि ये फ्रेंडली नेचर का नहीं था, लेकिन ये अपने से बड़ों की काफी इज्जत करता था। ये अपने अपोनेंट को देखने के बाद ही अपनी टीम डिसाइड करता है कि कौन कौन से पोकेमोन इस बैटल में काम आएंगे। ये क्विक लर्नर है, जैसे कि हमने देखा था कि चिमचार जब टर्टविक से बैटल कर रहा था तो उसने काफी जल्दी एम्बर मूव उन गड्ढों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे एस बचने की कोशिश कर रहा था, और अगर उसने जब बाइट कर भी लिया था उसके हेड पे तब भी उसका खेल खत्म कर दिया था अपने क्विक रिस्पॉन्स से। इसने अपने कुछ पोकेमोन को हाईली ट्रेन कर रखा था, जिससे उनके मूव में कुछ अलग ही रेवोल्यूशन आया था, जैसे कि इलेक्टावायर जो दोनों हाथों से थंडर पंच यूज कर सकता था, इसका टोरटेरा जो स्टोन एज मूव का यूज कर सकता था और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था, मैग्माटार जो रॉक टू मूव को डिफेंस की तरह भी यूज कर सकता था। ये नेचर का यूज भी काफी अच्छे से करता है, जिस कारण से इलेक्टावायर से ग्राउंड टाइप ग्लाइसगोर को हराया है और ड्रैगनाइट को विंड की हेल्प से डिफीट किया है। इसने एक बार में ही काउंटर शील्ड मूव को समझ लिया और इसका यूज भी करके दिखाया लीग के अंदर। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजीज की। ये अपने अपोनेंट की एबिलिटी को अभी यूज कर लेता है अपने लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके अर्थलिंग के पास गट्स एबिलिटी है, जिस कारण ये स्टैटिक एबिलिटी वाले पिकाचू के खिलाफ यूज करता है कि इसकी गट एबिलिटी एक्टिवेट हो जाए। जब एलिकेट और पिकाचू की बैटल होती है तो उसमें पहले पिकाचू को मूव मारने देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका एलिकेट चार्ज हो जाएगा उसके अटैक से, जिसके बाद ये हाईली डैमेज दे सकता है। सिंथिया के खिलाफ जब उसका गार्चोप ने गीगा इंपैक्ट यूज किया था, उसके बाद इसने अपने टोरटेरा को निकाला था गीगा ड्रेन के लिए, क्योंकि उस टाइम तक सबसे पावरफुल पोकेमोन यही बचा था। इलेक्टावायर यहाँ पर काम नहीं आता, जिस कारण ये पोकेमोन बेस्ट रहा इस बैटल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसे नहीं हरा पाया क्योंकि वो चैंपियन का गार्चोप था। और गीगा इंपैक्ट की वीकनेस ही यही है कि अब वो कुछ टाइम के लिए हिल नहीं सकता, जिसका इसने बहुत फायदा उठाया। इसने एस के साथ दो बार 6-on-6 बैटल की है और दोनों बार एस को कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये जीत सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में बीच में उसका दिमाग इतना खराब कर देता है जिससे एस सोचना ही बंद कर देता है, और एंड में आते आते पहले राउंड में हारने का कारण यही बना। लेकिन अगली बार
इन्फरनेप रिवेंज लेने आया था, जिस कारण वो वहाँ जीत जाता है। वरना स्ट्रेटेजी इसकी यही थी और काफ़ी कमाल की थी। इसने लाइट स्क्रीन और प्रोटेक्ट जैसे मूव से बैरी के पोकेमोन और एस के कई पोकेमोन को डिफीट किया है। ये स्टेटस मूव के यूज से अपने अपोनेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना देता है, जिस कारण एस लाइट स्क्रीन के बाद अपने ग्रोटल को कैलकुलेट नहीं कर पाया कि उसे अटैक कौन सा करना चाहिए या डोज करना चाहिए, जिस कारण वो वहाँ हार जाता है। सेम चीज़ बैरी के एम्फोलियन के साथ होती है, वो भी इसीलिए हारता है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इस मूव से वो हरा देगा, लेकिन प्रोटेक्ट मूव के बाद वो एकदम नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो इसी शिकार हो जाता है थंडर का। इसे पता था कि इस बार एस के पर प्रेशर नहीं बन पाएगा उसके किसी भी पोकेमोन से, इसलिए अपने भाई का ड्रेपियन लेके आता है और उसके टॉक्सिक स्पाइक से पूरी टीम पे ही प्रेशर बना के रखता है। और सच में इस पोकेमोन ने एस की आधी टीम को डिफीट किया, यानी कि स्टारैप्टर, टोर्टेरा और बुइजिल, ये तीनों ही पोकेमोन इस पोकेमोन से हार जाते हैं। तो इस बैटल को हारने के बाद पोल समझ जाता है कि पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती है, आपकी ट्रेनिंग और हार्डवर्क ही बताता है कि आप कितने पावरफुल हो सकते हो। जिसके बाद वो पहली बार अप्रिशिएट करता है अपने पोकेमोन इलेक्ट्रोवायर को कि उसने जो भी किया बेस्ट किया। उसके बाद पोल चला जाता है स्नो पॉइंट सिटी ब्रैंडन को रीचैलेंज करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जर्नीस में, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करके आया था। अब ये ब्रैंडन से हारा या जीता हमें नहीं पता, लेकिन इसने अपना एम ही चेंज कर लिया और डिसाइड कर लिया जिम लीडर बनने का, क्योंकि जिम लीडर पोकेमोन को काफ़ी अच्छे समझते हैं और ये प्रोफेसर ओक के पास भी टाइम टू टाइम आने लगा पोकेमोन के नेचर को समझने के लिए। और एस को ट्रेन करने के लिए ये तीन एस पोकेमोन लाया, तीन चैंपियन के, थिंथिया का गार्चोम, स्टीवन का मेटाग्रोस और लैंस का गैरडोस। उन्हीं तीन पोकेमोन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अपने तीन पोकेमोन लाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीन पोकेमोन उन चैंपियन के हैं जिन चार रीजन में इसने सफ़र किया है। ये तीन पोकेमोन वो हैं जिन्हें ट्रेन करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पोल ने कभी भी एक शूडो लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्हें ट्रेन करना सच में बहुत हार्ड होता है, गेम में भी और एनिमे में भी। लेकिन इस टाइम तक उसने इन तीनों पोकेमोन को ट्रेन किया, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है गैरडोस को ट्रेन करने में, क्योंकि मैजिक आप यूजलेस होते हैं, लेकिन उसको भी उसने इतना ट्रेन किया कि उसे गैरडोस बनाया और गैरडोस को भी पावरफुल बनाया। तो सच में यार ये पोकेमोन को टूल की तरह नहीं देखता है, उनको इमोशनली देखता है और उन्हें ट्रेन भी करता है, उनका नेचर भी समझता है, जिस कारण वो इतना कमाल का ट्रेनर बन पाया और एस को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में इसने काफ़ी हेल्प की। तो हाँ यार, ये स्टोरी थी पोल की, जो कैसे बना एक क्रूअल ट्रेनर से एक हेल्पफुल ट्रेनर, जो टूल की जगह अब उन्हें लिविंग बींग समझने लगा, उन्हें दोस्त समझने लगा, और अब उसके लिए हर एक पोकेमोन एक समान हो गया, बिल्कुल एस कैचम की तरह। तो नेक्स्ट जर्नी आप किसकी देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बताना। अगर उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं उसकी जर्नी को भी ऐसे बना दूंगा। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे कमाल की कमेंट करते रहना।